मैं इसलिए खत्म कर रहा हूं कि आप लोग, मैं देख रहा हूं 2 घंटे से बैठे हुए और सिटिंग पावर 2 ही घंटे की होती है। घर में लोग 2 घंटे नहीं बैठ पाते। रेडी है? अरे भैया, हमें आपकी तकलीफ की दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ का कार्यक्रम था, सामने वाले ताली बजाए जा रहे थे, हम 2.5 घंटे बोलते चले गए। पता नहीं कहाँ का था, शायद इंदौर का कार्यक्रम था या कहाँ का था, धार का कार्यक्रम था। हाँ, धार का कार्यक्रम था, लोग सामने ताली बजाते रहे, हम 2.5 घंटे, बाद में घड़ी दिखा तो 2.5 घंटे हो चुके हैं। भारत का संविधान कहता है संप्रभु भारत बनाओ। संप्रभु भारत का मतलब गुलामी का कानून भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में गुलामी का कानून चल रहा है। क्रिश्चियन के लिए 1872 का क्रिश्चियन में रिजेक्ट, पारसी के लिए 1936 का पारसी में रिजेक्ट, और मुस्लिम्स के लिए 1937 का शरियत एक्ट। तो संविधान बनने के बाद, आजादी के बाद, केवल हिंदुओं का कानून बना है, बाकी सबका कानून आजादी के पहले का है। अब चूंकि हिंदू में रिजेक्ट संविधान बनने के बाद बना, तो वो संविधान के स्पिरिट में बना, संविधान के डायरेक्शन में बना, संविधान जो कहता है इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी उसके अनुसार बना। और जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वो कोई डिबेट तो हुई नहीं थी, कोई चर्चा तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने अपने आप पुरुषों से बात कर करके बना दिया था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध और सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू जैन बौद्ध और सिख को कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन डिमांड कौन कर रहा है? हिंदू। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? मुस्लिम को। और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम विरोध कर रहा है। जिसको कोई फायदा नहीं वो कह रहा है लाओ लाओ, और जिसको सबसे बड़ा फायदा वो कह रहा है मत लाओ मत 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 लाओ। मतलब जिसकी तबीयत खराब है वो कह रहा है दवा नहीं खाऊंगा, और जो बिल्कुल स्वस्थ है कह रहा भैया इसको दवा खिलाओ दवा खिलाओ दवा खिलाओ, ये तबीयत इसकी खराब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबकी शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। हिंदू में पहले ही हिंदू, जब मैं हिंदू शब्द यूज करूं तो जैन बौद्ध सिख उसी में आते हैं, कानून के नजरों में जैन बौद्ध सिख हिंदू ही है। तो ये शादी की उम्र समान हो जाएगी, तो हिंदुओं में तो पहले 18 और 21 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा तो उसको होगा जिसकी शादी की उम्र 9 साल है। 9 साल किसकी है सबको पता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो बेटियां जिनकी 9 साल में उनकी शादी हो जाती है वो भी पढ़ेंगी लिखेंगी, उनके ऊपर भी चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन एक्ट वो भी लगेगा उनके ऊपर पॉक्सो भी लगेगा। एक आपको बता दूं, पॉक्सो कानून कि बच्चियों के साथ अगर गलत हो जाए तो पॉक्सो लगता है, उधर पॉक्सो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका 1937 वाला कानून इजाजत देता है कि नहीं 9 साल में भी कुछ हो सकता है। तो यूसीसी आएगा, फायदा किसको हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए समान हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए समान हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो शादी डिवोर्स कैसे लेना है और कहां जाके लेना है पता है, फैमिली कोर्ट में जाना है, कौन कौन सी कंडीशन है लिखा हुआ है। नहीं लिखा है कहां? 1937 के शरीयत एक्ट में, 1936 के पारसी मैरिज एक्ट में, 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में। वहां नहीं लिखा है डिवोर्स कैसे होगा, किन किन ग्राउंड पे होगा और कहां जाके होगा। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स समान हो जाएगा तो फायदा यह होगा कि 3 तलाक भले खत्म हुआ, अभी 4 और चल रहे हैं। तलाके हसन चल रहा है, तलाके अहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। आप गूगल करिएगा, इन 4 डिवोर्स को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कैसे कैसे डिवोर्स होता है? कर्नाटक के कलबुर्गी में डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन,
हस्बैंड कहता है जा मैंने तुम्हें आजाद किया, जा मैंने तुम्हें आजाद किया, जा मैंने तुम्हें आजाद किया। डॉक्टर सईदा अमरीन काजी के पास गई, बोले हमारे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि तीन बार बोला जाओ आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया, क्या करूं। बोले तुम आजाद हो गई जाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ये बंद हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स फिक्स हो जाएंगे। अगर कोड होने पे होना है, पागलपन होने पे होना है, नपुंसकता पे होना है, बाजपन पे होना, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? कन्वर्टेड हिंदुओं को। किसको फायदा हुआ? आप लोग शब्द यूज किया करिए हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू, और दूसरा कोई शब्द मत यूज किया करिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। तो यूसीसी का फायदा किसको हुआ? कन्वर्टेड हिंदुओं को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले मिला हुआ है, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, तो फायदा उसको हुआ जिसको गोद लेने का अधिकार नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने पीएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो मेरे पास कश्मीर के अनंतनाग से एक राशिद का फोन आया। बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले साहब हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना जी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी हमें दे ही नहीं सकते, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही है, तो कम से कम ये कानून आएगा तो मैं अपनी नाना की प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, विरासत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। अब एक पति एक पत्नी नियम हिंदुओं में पहले लागू है, तो फायदा किसको हुआ? कन्वर्टेड हिंदुओं को। हलाला बंद हो जाएगा, फायदा किसको हुआ? मुताह बंद हो जाएगा, किसको फायदा हुआ? जोर से बोलिए। मिसयार बंद हो जाएगा, किसको फायदा हुआ? अच्छा, मुताह मिसयार के बारे में आपने सुना नहीं होगा। मेरी पीआईएल चल रही भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। मुताह और मिसयार 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, 20 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए। वो अरब के शेख आते हैं, क्योंकि शादी की उम्र 9 साल है तो 10-11 साल की बच्चियों को छांट लेते हैं, लखनऊ में, कोची में, हैदराबाद में, ऐसे जगह जगह। गरीब मां बाप को 10 लाख रुपए दिया, उन्होंने अपनी बच्ची दे दिया, क्या कर लिया? मुताह। मुताह मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और उसके बाद वो 1 महीने मस्ती करते हैं और प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ और यूज करना भी उधर गड़बड़ है, कुछ यूज करेंगे नहीं, 1 महीने साथ में रहेंगे, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और वो चले गए। अब उस बच्ची का क्या होगा? कोई और तो निकाह करेगा नहीं। मां बाप कितने दिन रखेंगे? मतलब सोच सकते हैं उसका बच्ची का भविष्य क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये मुताह बंद होगा, मिसयार बंद होगा, तहरुस बंद होगा, तलाके हसन बंद होगा, तलाके हसन बंद होगा, तलाके बाइन बंद होगा, तलाके किनाया बंद होगा। कहने का मतलब वो सारी विदेशी कुरीतियां बंद हो जाएंगी जो आज भी चल रही हैं। जो कुरीतियां भारत में शुरू हुई उनके लिए एक एक करके कानून बनता गया। छुआछूत के लिए कानून बना, सती प्रथा के लिए कानून बना, बाल विवाह के लिए कानून बना, जो कुरीतियां भारत में आई थी उन सबके लिए कानून बना। लेकिन जो कुरीतियां विदेशों से आई थी, मंगोलों के साथ आई, चंगेजों के साथ आई, मुगलों के साथ आई, उनके लिए कानून नहीं बना। जबकि संविधान कहता है संप्रभु भारत बनाओ, यानी विदेशी कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, विदेशी कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं होनी। आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द ही भारत की सारी विदेशी कुरीतियों को खत्म करेंगे और भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अच्छा, आप ये देखो, हमको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मत केवल हिंदुओं का। अब ये बताओ, इस पीआईएल से हिंदुओं को कोई फायदा है क्या? जितनी सारी मैंने पीआईएल फाइल कर दिया, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? कन्वर्टेड हिंदुओं के। किसके लिए लड़ रहा हूं? कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए। लेकिन लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं तो हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूं। भाई, उनकी समस्याएं अगर खत्म होगी
हाँ एक फायदा, अच्छा जनसंख्या नियंत्रण कानून का फायदा किसको होगा? अरे हिंदू तो पहले हम दो हमारे दो कर रहे, तो अगर हम दो हमारे दो सबके दो लागू हुआ तो किसका विकास होगा? जोर से बोलिए जरा, किसका कुपोषण खत्म होगा, किसकी बीमारी खत्म होगी, किसकी गरीबी खत्म होगी, किसकी भी बेरोजगारी खत्म होगी? एक बात मैं आपको बता दूं, पेट में ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना पारसी, ना ईसाई। मां के पेट में वो भ्रूण होता है, 6 महीने तक केवल वो भ्रूण होता है, 6वें महीने के बाद वो सुनना उनना शुरू करता है, 6वें महीने के बाद उसके अंदर अंश आना शुरू होता है कि वो हिंदू आगे बनेगा या मुसलमान या पारसी ईसाई, क्योंकि मां के कान के जरिए सुनना शुरू करता है, मां जो भोजन करती उसका असर उस पर शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो हिंदू बनेगा या कन्वर्टेड हिंदू बनेगा ये पैदा होने के बाद शुरू होता है। अगर हमें अपने ही हम अपने घर में, जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं और मैं रोज अपने बच्चे के कहूं केवल हनुमान जी ही पूजा योग्य है, हनुमान जी के अलावा कोई भी और पूजा योग्य नहीं है, तो मेरा बेटा ही रेडिकल हो जाएगा। मानते नहीं मानते? सनातन धर्म लिबरल क्यों है? इसलिए लिबरल है कि कभी हम ये नहीं कहते केवल शंकर जी ही पूजा योग्य है, जैन कभी ये नहीं कहते केवल भगवान महावीर की ही आराधनी होनी चाहिए, बौद्ध कभी ये नहीं कहता गौतम बुद्ध की पूजा होनी चाहिए, सिख कभी ये नहीं कहता केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही पढ़ो, वैष्णव कभी ये नहीं कहते केवल विष्णु भगवान विष्णु की पूजा करो, शैव कभी ये नहीं कहते केवल भगवान शंकर की पूजा करो, शाक्त कभी ये नहीं कहते केवल मां दुर्गा की पूजा करो। एक बार हालांकि पहले युद्ध हो चुका है, 9वीं शताब्दी में हो चुका है, दक्षिण भारत में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि शंकर जी आदिदेव है या विष्णु जी आदिदेव है, बकायदा युद्ध हो गया था, हालांकि युद्ध खत्म हो गया उसके बाद ये लड़ाई कभी हुई नहीं। यहां जो पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है इसी बात की तो चल रही है, क्या चल रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, रेडिकलाइजेशन की जड़ यहां पे है। आप इस बात को समझिए, हम अपने ही घर में अगर ये सिखाना शुरू कर दें ओनली हनुमान जी शुड बी वर्शिप्ड, हमारा बच्चा ही रेडिकल हो जाएगा। हम लिबरल इसलिए हैं, पिताजी शंकर जी की पूजा करते हैं, माताजी दुर्गा जी की करते हैं, हम हनुमान जी की करते हैं, पत्नी जो है गणेश जी की करती है, कोई किसी के करता है, कोई किसी का करता है, सबका करते रहते हैं, इसलिए हम लिबरल। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं भारत में प्राणियों में सद्भावना हो, तो सबसे पहले भारत के मुगलिया स्कूल बंद करने पड़ेंगे, मदरसे बंद करने पड़ेंगे जहां सबसे ज्यादा नफरत सिखाई जाती है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आप योजनाएं बढ़ा के, मकान देके, मुद्रा लोन देके, बाकी योजनाओं के जरिए आप नफरत नहीं रोक सकते। नफरत रोकने का सबसे प्राइमरी तरीका है आप प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम कॉमन हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत में तो लिखा हुआ है कि रिलीजियस किताब पढ़ाई नहीं सकते, हाँ बिल्कुल सही है, संविधान कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ा सकते, तो भगवत गीता रामचरितमानस रिलीजियस किताब नहीं है, ये धार्मिक किताब है। धर्म और रिलीजन में अंतर समझिए, रिलीजन का मतलब जहां वन बुक वन गॉड हो, और धर्म का मतलब ऐसा नहीं होता। रिलीजन में सिंगल वे होता है, वन वे एंट्री होती है, आ गए तो आ गए, निकलोगे तो गला काट दिया जाएगा, धर्म ऐसा नहीं कहता। रिलीजन कहता है, हम जैसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, धर्म की, रिलीजन कहता हमारे रिलीजन की जय हो, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, रिलीजन कहता जो हमारे रिलीजन को ना माने उसका नाश हो, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना है, मजहब कहता है जो हमारे मजहब वालों में सद्भावना हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, मजहब कहता है हमारे मजहब वालों का कल्याण हो, ये डिफरेंस है। तो भगवत गीता विधायक जी, रामायण रामचरितमानस, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदू बन जाओ, ये
धार्मिक पुस्तक है और भारत का संविधान धार्मिक पुस्तक के ऊपर रोक नहीं लगाता है। यह अलग बात है कि गड़बड़ी के कारण हमारे जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। और जजों ने क्यों समझ लिया? पिताजी उनके बैरिस्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, तो उन्होंने पूरी अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ी। दादा बैरिस्टर थे, पिताजी बाद में जज हो गए, वो खुद भी जज हो गए, पढ़ाई उनकी पूरी कॉन्वेंट की है, धर्म और रिलीजन के अंतर को दोनों समझा ही नहीं। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे धर्म और रिलीजन बराबर नहीं होता। ये हम कहते हैं ना सर्व सर्व धर्म संभाव, हो ही नहीं सकता। जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, दोनों आंख एक समान नहीं होती, दोनों हाथ एक समान नहीं होते, एक ही मां के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते, ऐसे सारे मजहब एक समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे मजहब वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाते, सारे मजहब सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके नहीं सिखाते। तो इसलिए जब नहीं सिखाते, उनकी सोच अलग है, सोच अलग है तो एक नहीं हो सकते। संविधान के दायरे में रहते हुए क्या किया जा सकता है? भारत में आठवीं तक समान शिक्षा लागू की जा सकती है। वो कैसे? एक कानून है राइट टू एजुकेशन, पता होगा आप लोगों को, जो है आठवीं तक सबके लिए समान है। और जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे भी उसमें शामिल थे। 2012 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया और मदरसों को उससे बाहर निकाल दिया, जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में।